राजा भूदेव अंग देश के राजा थे। देश की राजकुमारी सुरभि की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। राजकुमारी का 16वां जन्मदिन मनाने की तैयारियां की जा रही थी। राजकुमारी खिड़की पर खड़े सारी तैयारियां देख रही थी। अचानक राजकुमारी ने देखा सिपाही खतरनाक जानवरों को अंदर लेकर आ रहे हैं। महाराज, इन सभी जानवरों को महल के अंदर क्यों लाया जा रहा है? राजकुमारी, मनोरंजन के लिए, तुम्हारा जन्मदिन जो आ रहा है। कुछ सिपाही एक दूसरे से बातें करते हैं। अगर यही हाल रहा तो राज्य के सारे जानवर समाप्त हो जाएंगे। हर हफ्ते 50 जानवर हवेली में भेजे जाते हैं। अपनी जुबान बंद रखो, दीवारों के भी कान होते हैं समझे? कभी तुम्हारी बात राजकुमारी के कान तक ना पहुंच जाए। राजकुमारी सिपाहियों की बात सुनकर हैरान हो जाती है। राजकुमारी जानवरों के पीछे पीछे उनका रास्ता लगाने देती है। तभी एक सिपाही राजकुमारी को देख लेता है। राजकुमारी जी, आप यहाँ? महाराज के सख्त निर्देश हैं कि आपको यहाँ ना आने दिया जाए। अचानक तेज हवा का झोंका आता है और राजकुमारी की चुन्नी उड़ते हुए एक दरवाजे के पास गिरती है। अरे, यहाँ तो पिताजी स्वयं दरवाजे के पास खड़े हैं और जानवरों को अंदर भेज रहे हैं। पिता को देख वो अपना दुपट्टा उठाकर वहां से चली जाती है। पर राजकुमारी को सारी रात नींद नहीं आती। आखिर पिताजी, महाराज मुझे वहां जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? वो मुझे इस राज से दूर क्यों रखना चाहते हैं? आखिर इस दरवाजे का राज है क्या? राजकुमारी ने अपनी खिड़की का दरवाजा बंद कर दिया और चुपचाप लेट गई। तभी महल की सबसे पुरानी और सबसे बूढ़ी दासी त्रिजटा उसके कमरे में आ गई। ओ मेरी प्यारी राजकुमारी, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी माँ को भी पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम बड़ी परेशान हो। दादी माँ, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकती हैं? राजकुमारी, अगर तुम चाहो तो वो प्रश्न मुझसे पूछ सकती हो। लेकिन अगर उन्होंने पिताजी को बता दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब नहीं नहीं दादी माँ, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं। अगले दिन सुबह राजकुमारी महाराज के पास जाती है। उसे उदास देखकर महाराज उससे पूछते हैं, बेटी बड़ी उदास लग रही हो, आज तो पूरे राज्य में तुम्हारा जन्मदिन मनाया जा रहा है और तुम खुश नहीं हो, लगता है रात भर सो नहीं पाई। पिताजी, आखिर उस दरवाजे का क्या रहस्य है? बेटी, आज तुम्हारा 16वां जन्मदिन है, आज मैं खुद ही तुम्हें वो राज बताने वाला था। सुनो बेटी, ये लंबी कहानी है। जब तुम्हारी माँ गर्भवती थी तो हम दोनों जंगल घूमने गए। तभी हमें वहां अचानक एक बहुत खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। वो बोली, महाराज मैं चित्रांगदा हूँ, मुझे प्रथम दृष्टि में आपसे प्रेम हो गया है, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं विवाहित हूँ और अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। महाराज, अपना भला चाहते हैं तो आपको मुझसे विवाह करना ही होगा, इस साधारण स्त्री के लिए आप मुझे नहीं ठुकरा सकते। तो तुम नहीं मानोगी, मुझे नहीं लगता तुम कोई स्त्री हो, क्योंकि स्त्री के खूबसूरत शरीर में काला मन नहीं हो सकता। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में लाता हूँ। महाराज अपने पवित्र रुद्राक्ष की माला का एक रुद्राक्ष उस स्त्री के ऊपर फेंक देते हैं और ऐसा करते ही वह अपनी असली बदसूरत और भयंकर रूप में आ जाती है। सही पहचाना। जादूगरनी असुरबाला हूँ। तू अपनी पत्नी के रूप पर बड़ा घमंड करता है ना? आज के बाद तुझे अपनी पत्नी के चेहरे से घृणा हो जाएगी। राजकुमारी, जादूगरनी ने तुम्हारी माँ को श्राप देते समय ये भी कहा कि जल्दी ही तुम्हें एक बेटी पैदा होगी। जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी शक्ल देखेगी तो वो भी तुम्हारे जैसी ही हो जाएगी। और ऐसा कहने के बाद वो न जाने कहां गायब हो गई। तुम्हारे जन्म के कुछ समय के बाद एक दिन अचानक ही महारानी का चेहरा बहुत भयंकर हो गया। उसके चेहरे पर हर तरफ सांप लटकने लगे, आंखें अंगारों की तरह जलने लगी, शरीर एक सूखे पेड़ की तरह, आवाज
सांप की फुफकार की तरह। यहां तक कि वो किसी भी जीवित पशु पक्षी या इंसान को खाती है और प्यास लगने पर रक्त पीती है। इसीलिए आपने मुझे बचाने के लिए माँ को हवेली में रख दिया। बेटी, मैं तुम्हारी माता से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनसे दूर नहीं रह सकता था, इसलिए उनके लिए एक महल बनवा दिया जिसका ये दरवाजा है। इसमें तुम्हारी माँ के लिए ये जानवर भेजे जाते हैं जिन्हें खा के वो अपनी भूख मिटाती है। राजकुमारी अपनी माँ की यह कहानी सुन बड़ी उदास हो गई और बोली, पिताजी महाराज, क्या माँ के श्राप का कोई तोड़ नहीं? हाँ बेटी, तोड़ है। कुछ वर्ष पहले जब मैं जंगल में शिकार की तलाश में था तो मुझे वो जादूगरनी फिर से मिली। वो मरने वाली थी और शर्मिंदा थी। उसने मुझे तुम्हारी माँ को इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त होने का इलाज बताया। तो आपने इतने दिन तक किसी को बताया क्यों नहीं? बेटी, उसने कहा था ये इलाज मैं सिर्फ जब तुम 16 वर्ष की हो जाओ तो पहली अमावस पर इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो मैं भी श्रापित हो जाता। आज मैं 16 वर्ष की हो गई हूँ, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी माँ को वापस कैसे उस श्राप से आजाद करवा सकती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, आज तुम्हारा 16वां जन्मदिन है और कल अमावस। कल ही के दिन तुम्हें उस मायावी दरवाजे से अंदर जाना होगा। वहां पर तुम्हारे साथ भयानक घटनाएं होंगी, पर तुम किसी से भी मत डरना। पिताजी महाराज, मैं माँ के साथ ही वापस आऊंगी, आप विश्वास रखें। राजकुमारी, सोच लो, तुमको केवल दो चीजों का ध्यान रखना है, अपनी नेकी और बुद्धि। इनका साथ कभी नहीं छोड़ना। अगर इन दोनों का इस्तेमाल किया तो तुम माँ तक जरूर पहुंच जाओगी। क्या माँ मुझे पहचान लेंगी? राजकुमारी, जादूगरनी ने तुम्हारे लिए हर कदम पर चुनौतियां रखी हैं, और ये चुनौतियां तुम्हें ही पार करनी होंगी, तभी तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। आखिर में अपनी माँ के अंदर ममता जगाने में अगर तुम सफल रही तभी महारानी वापस असली रूप में आ पाएगी। बेटी, तुम्हें सबसे पहले सोनगिरी की पहाड़ियों में जाकर एक जादुई गुफा में रहने वाले एक तपस्वी बाबा से एक जादुई किताब लेनी होगी। उस किताब में ही तुम्हें माँ को ठीक करने का रास्ता मिलेगा। मुझे सिर्फ इतना ही पता है, आगे क्या होगा वो तुम्हें खुद पता करना होगा, और ये काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। अपना ध्यान रखना और खुद पे भरोसा रखना। ये लो, ये रुद्राक्ष की माला, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। खुद पर भरोसा रखना बेटी, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो हम नहीं कर सकते। आप चिंता मत करिए पिताजी महाराज, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। अपना आशीर्वाद दीजिए पिताजी महाराज। इसके बाद राजकुमारी सोनगिरी की पहाड़ियों में गुफा की तलाश में निकल जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है। काफी थक गई हूँ, थोड़ा बैठ जाती हूँ। वहाँ एक तालाब है, वहीं जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इसके बाद राजकुमारी तालाब के पास जाके बैठ जाती है। तभी एक हिरन थोड़ी दूर पर घायल पड़ी होती है, जिसके पास तालाब से एक मगरमच्छ धीरे धीरे उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। यह देखकर राजकुमारी तुरंत उस हिरन के पास भाग के जाती है और उस मगरमच्छ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए ये मगरमच्छ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसके बाद राजकुमारी उस मगरमच्छ को मार देती है। तभी मगरमच्छ एक सुंदर कन्या में बदल जाती है। आप कौन हैं? मैं जल की देवी हूँ। एक बार एक तांत्रिक ने मुझे इस मगरमच्छ के रूप में कैद कर दिया ताकि वो इस तालाब के जादुई जल के साथ जो चाहे वो कर पाए। ये वन कोई साधारण वन नहीं, इस वन को देवराज इंद्र ने यहाँ के राजा को दिया था तोहफे में। इस वन की हर चीज जादुई है, अब वो तांत्रिक अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? इस वन में एक गुफा है जहाँ एक तपस्वी बैठते हैं, उनसे मुझे उनकी जादुई किताब लेनी है। वो किताब तो लोगों को उनकी मंजिल दिखाती है, इस उम्र में भला तुम्हें तुम्हारी कौन सी मंजिल जाननी है? जल देवी, मुझे अपनी माँ को बचाना है। एक जादूगरनी के श्राप से वो एक राक्षसनी में बदल गई है। उनकी मुक्ति के लिए मुझे उस जादुई किताब तक पहुँचना ही होगा। तुम्हारी वजह से इस कैद से मैं आजाद हो पाई हूँ।
इसलिए मैं तुम्हें गुफा तक पहुंचाऊंगी। उस गुफा का रास्ता इसी तालाब से होकर जाता है। वहां तक सही सलामत पहुंचने में ये जलरथ तुम्हारी सहायता करेगा। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए प्रार्थना करूंगी। जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो। इसके बाद राजकुमारी उस जलरथ में बैठकर तालाब के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो गुफा तक पहुंच जाती है। इसके बाद जलरथ से उतरकर राजकुमारी गुफा के अंदर चली जाती है। वहां राजकुमारी को एक छोटी सी मछली के पंखों पे एक कांटा फंसा हुआ दिखता है। राजकुमारी जैसे ही उसके पंखों से वो कांटा निकालती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। इस कांटे की वजह से मैं अपने अपनों से पीछे छूट गई थी, लेकिन अब मैं उनके पास वापस जा सकूंगी। धन्यवाद राजकुमारी। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस जगह तो इंसानों को आए सालों बीत गए। मुझे यहाँ जो तपस्वी रहते हैं ना, उनसे मिलना है। उनके पास जो जादुई किताब है वो मुझे चाहिए। जादुई किताब? वो भला क्यों चाहिए तुम्हें? ओ, तो तुम्हें अपनी माँ को बचाने के लिए जादुई किताब चाहिए। तभी छोटी मछली तपस्वी में बदल जाती है। मैं तुमसे खुश हुआ बेटी। तुम इस किताब से कोई भी एक सवाल पूछ सकती हो। उसके बाद ये किताब अपने आप गायब हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आखिरकार मैंने अपनी पहली मंजिल पार कर ही ली है। जादुई किताब मुझे बता, मैं अपनी माँ को उस जादूगरनी के श्राप से कैसे आजाद कर सकती हूँ? इस श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई जंगल की आत्मा की मणि को महारानी के माथे के बीचों बीच लगा दे। इससे महारानी अपने असली रूप में आ जाएगी। इसके बाद राजकुमारी उसी जलरथ में बैठकर वापस आ जाती है। और सोचने लगती है, अब मैं वो मणि तक कैसे पहुंचूं? राजकुमारी को वही हिरण दिखता है जिनके प्राणों की रक्षा राजकुमारी ने उस मगरमच्छ से की थी। आप इतनी उदास क्यों हैं? तुम भी बोल सकती हो। आप भूल गईं, ये वन जादुई है। यहाँ सब बोल सकते हैं। इसके कण कण में जादू है। सब जादू है, हर जगह जादू है। आप इतनी परेशान क्यों हो राजकुमारी? मुझे अपनी माँ को बचाना है, इसलिए मुझे वन देवी की आत्मा से निकली मणि की जरूरत है। पर समझ नहीं आ रहा कि वहाँ तक कैसे पहुँचूं। मैंने तो कभी माँ को देखा तक नहीं है। न जाने कैसी होंगी वो उस हालत में। काश मैं अपनी माँ को बचा पाऊँ। राजकुमारी भाग जाइए यहाँ से, वरना ये मेरे साथ साथ आपको भी मार के खा जाएगा। जाइए राजकुमारी, आप चली जाइए यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। तुम यहाँ से जाओ, मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ। उतने में तुम भाग जाना, ठीक है? नहीं राजकुमारी, ये हमारी नियति है। हमारे जन्म लेते ही मौत हमारा पीछा करने लगती है। लेकिन आपको अपनी माँ को बचाना है। आप जाओ यहाँ से, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। मैं एक क्षत्रिय हूँ। इस तरह पीठ दिखा के भागना हमारे खून में नहीं है। इस दानव का मैं वो हाल करूंगी कि आज के बाद किसी को नहीं खा पाएगा। इसके बाद राजकुमारी उस दानव से लड़ने लगती है। काफी देर तक लड़ने के बाद जैसे ही राजकुमारी अपनी तलवार से जैसे ही मारने वाली होती है, तभी उन दानव की आंखों में आंसू आते हुए देख लेती है और थोड़ी देर में एक छोटे से दानव को देख लेती है जो कि उसी दानव का पुत्र होता है। ये देख राजकुमारी रुक जाती है और उन्हें जाने देती है। आज के बाद इस तरह का नुकसान किसी को नहीं पहुंचाना। जाओ, वहां तुम्हारा बच्चा तुम्हारी राह देख रहा है। आपने उसे क्यों जाने दिया राजकुमारी? मैं एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकती। आज जब खुद तरस रही हूँ तो भला यही दर्द मैं किसी और को सहने कैसे दे सकती हूँ? तुम सच में बहुत दयालु हो। तुमसे मिलना मेरी खुशकिस्मती है राजकुमारी। तुम भी कैसी बातें कर रही हो। चलो अपना ध्यान रखो। और हाँ, ध्यान से देखकर बाहर निकलना, समझी? मैं चलती हूँ, अभी लंबा सफर तय करना है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम चली गई तो ये मणि कौन ले जाएगा? मतलब? तभी हिरण वन देवी में बदल जाती है। मैं तुम्हारे आने का उद्देश्य पहले से ही जानती थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम मेरी आत्म मणि लेने के लिए काबिल हो भी या नहीं।
ये सब एक छलावा था तुम्हें परखने के लिए। मुझे पहली बार अपनी आत्ममणि देने में खुशी हो रही है। तुम अपने उद्देश्य में सफल हो, मेरी यही दुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। लो, ले जाओ इसे। तभी वनदेवी अपनी शक्तियों से अपनी आत्ममणि को राजकुमारी को दे देती है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी वनदेवी। जाओ पुत्री, काम खत्म होने के बाद ये पुनः मेरे पास लौट आएगी। अब जाओ, देर मत करो। इसके बाद राजकुमारी अपने महल वापस आ जाती है। तुम आ गई बेटी। आपके आशीर्वाद से मैं माँ को ठीक करने का उपाय भी ले आई हूँ। अब बस महल के उस कमरे में जाकर माँ को बचाना है। हाँ बेटी, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद राजकुमारी उस कमरे में चली जाती है। राजकुमारी हवेली के दरवाजे अंदर चली जाती है। चारों तरफ भयंकर जानवर और मांस की बदबू फैली हुई थी। राजकुमारी जैसे ही उस आखिरी कमरे में पहुंची, तभी उन्हें एक बड़ी भयानक औरत नजर आई, जिसको देखते ही राजकुमारी डर के चीख पड़ी। कहीं ये औरत तो मेरी माँ नहीं? मैंने इतना भयानक चेहरा कभी नहीं देखा था। डरी हुई राजकुमारी ने अपने आप को संभाला। वह औरत राजकुमारी को खाने के लिए आगे बढ़ी और मुंह से सांप की फुफकार निकालने लगी। माँ, आप मुझे खाना चाहती हैं? मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी माँ अगर मैं आपका भोजन बन पाऊँ। आपका अंश आप में ही समाहित हो जाए। मेरा अंश? तुझ जैसी खूबसूरत राजकुमारी मेरा अंश नहीं हो सकती। नहीं माँ, पहचानो, मैं आपकी ही बेटी हूँ। बेटी? मेरी बेटी? हाथ में तलवार लेकर मुझे मारना चाहती है? माँ, एक बार मुझे गले से लगा लो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। नहीं, मुझसे दूर रह, तुझे डर नहीं लगता? औरत ने राजकुमारी के बालों को पकड़ उसे दूर फेंक दिया। राजकुमारी के शरीर से खून निकलने लगा। चली जा, हट जा यहाँ से, वरना तुझे चबा चबा के खा लूंगी। तुझे डर नहीं लगता? ये देख मेरे दांत। माँ, कभी माँ के पास आने में भी किसी को डर लगा है? बचपन से माँ के प्यार को तरस रही हूँ। मुझे एक बार गले से लगा लो माँ। राजकुमारी दौड़कर उस भयानक औरत को गले लगा ली। औरत ने अपने दांत उसके शरीर में गड़ा दिए। राजकुमारी दर्द से चिल्लाई, माँ! लेकिन तभी राजकुमारी ने उस मड़ी को महारानी के माथे के बीचों बीच लगा दिया। मड़ी के माथे में समाती ही महारानी अपने असली रूप में आ गई। उसके ऐसा करते ही महारानी के दिल में ममता भर गई और आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरी बच्ची, मुझे सब याद आ गया। तूने मुझे इंसान बना दिया, मैं श्राप मुक्त हो गई। ऐसा कहते ही वह औरत महारानी के रूप में परिवर्तित हो गई। जादूगरनी का श्राप सदा के लिए खत्म हो गया। राजकुमारी अपनी माँ के गले लग गई। चलो माँ, घर चलो, पिताजी महाराज आपकी राह देख रहे हैं। दोनों की हवेली से बाहर आते ही चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। पूरे राज्य में उपहार बांटे गए। आज मेरा परिवार फिर पूरा हो गया। मेरी महारानी राजकुमारी के कारण वापस आ गई। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। आज से तुम होगी इस राज्य की नई उत्तराधिकारी। हम हमेशा सोचते थे कि हमारे बाद ये राज्य कौन संभालेगा, लेकिन जिसकी तुम निडर बेटी हो उसे किसी बेटी की क्या जरूरत। पिताजी महाराज, आपने मुझे इस लायक समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी सारी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी, देख लीजिएगा। राजकुमारी के साहस के कारण हवेली के खूबसूरत दरवाजे को हमेशा के लिए खोल दिया गया और राजकुमारी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी महल में रहने लगी।